ख्वाब में कीड़ा देखना। ख्वाब में कीड़ा देखने की ताबीर बेटी से की जाती है। पेट के कीड़ों की दलील इन रिश्तेदारों के गम पर होती है जो इसके ज़ेरे कफालत रहते हों, और यही ताबीर इन कीड़ों से की जाती है जिनका रिस्क जिस्में इंसानी में है। इसी तरह गोश्त खाने वाले कीड़ों की ताबीर दूसरों के माल पर पलने वाले अहलो अयाल के गम से की जाती है जो साहिब ख्वाब के जिस्म के साथ न जुड़े हों। ख्वाब में मकद के रास्ते से कीड़ा निकलता हुआ देखना पोतों में गम लाहक होने की अलामत है। ख्वाब में मुंह से कीड़ा निकले तो घर वाले इसके खिलाफ साजिश कर लेंगे, जिसका बरवक्त इलम हो जाएगा, जिसके सबब वो साजिशी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अलबत्ता साजिश करने वाले इसकी कफालत से महरूम हो जाएंगे। किसी ने देखा कि इसके पेट से इसकी तसरफ के बगैर कीड़ा निकल गया तो शरीर किस्म की कौम से दूर रहेगा, जिसके सबब इसे इज्जत व शर्फ और पाकीज़गी नसीब होगी। कभी बदन से कीड़ा निकलना गम दूर होने पर भी दलील करता है, इसलिए कि नुकसानदेह चीज़ निकल गई है। बदन से पीप निकलने की ताबीर ज़वाले गमो हज़न और हसूले माल से की जाती है। बाज़ दफ़ा कीड़े की ताबीर रिश्तेदारों में किसी दुश्मन से की जाती है। रेशम के कीड़े बादशाह की रैयत की अलामत होते हैं। ताजिर के लिए रेशम के कीड़े देखना तिजारत में तावान वाकिया होने की अलामत है। कभी इसकी ताबीर इसका हरीफ भी होते हैं। ख्वाब में रेशम के कीड़े का हसूल मुज़क्कर अफराद से मनफत मिलने पर दलील करता है, और कभी इसको देखना माल मिलने की निशानी है। बाज़ अहले ताबीर की राय है कि रेशम के कीड़े माले हराम की अलामत हैं। शुक्रिया। व्यूअर्स, अगर आपने कोई ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर से आप ना वाकिफ़ हैं और हमारी अपलोड करदा वीडियोस में भी वो ताबीर नहीं है, तो अभी कमेंट बॉक्स में अपने ख्वाब की वजाहत करें ताकि आपके बयान करदा ख्वाब पर हम वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई कर सकें। शुक्रिया।